नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 25 अक्टूबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में अभी भी विराजमान है, अभी बहुत दिनों तक रहने वाले हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होकर चल रहे हैं। सूर्य और बुध, जिसमें नीच का सूर्य और वक्री बुध तुला राशि में चल रहे हैं। वृश्चिक राशि में केतु है, धनु राशि में बृहस्पति है स्वगृही, शनि मकर राशि में स्वगृही। आज दोपहर तक यानी 25 अक्टूबर के दोपहर तक चंद्रमा भी मकर राशि में रहेंगे, इसके बाद फिर कुंभ राशि में प्रस्थान करेंगे, तो अभी दोपहर तक विषयोग बना रहेगा। और मंगल वक्री होके मीन राशि में अभी भी यथावत बने हुए हैं और चल रहे हैं। ग्रहों की स्थिति मध्यम है, बहुत बच के पार रखी करिए। और आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर बहुत अच्छा करे आप लोगों के साथ। माता रानी का पूरा पूरा आशीर्वाद बना रहे आप सब पे। आप लोग अपने जीवन में हर कदम पे विजयी हों, नकारात्मक सोच पे विजय पाए। और जो ये कोविड चल रहा है, जो ये महामारी फैली हुई है, इस पे पूरा जनमानस विजय पाए। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, मिला जुला फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। दिन की शुरुआत थोड़ी मध्यम रहेगी। स्वास्थ्य पे ध्यान दें। प्रेम की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा चिड़चिड़े बने रहेंगे आप। सूर्य को जल दें और शनि तत्व का दान करें। वृषभ राशि की स्थिति अच्छी होने जा रही है, बस इम्यून पावर पे थोड़ा काम करिएगा, स्वास्थ्य पे और प्रेम पे काम करिएगा। व्यवसायिक स्थिति आपकी उभर जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। हरी वस्तु पास रखिए, काली जी की वंदना करें। मिथुन राशि, दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी, अभी प्रतिकूल चल रही है। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ मध्यम है, लेकिन दोपहर के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा। पीली वस्तु का दान करें, शनिदेव को प्रणाम करें। कर्क राशि की स्थिति थोड़ी प्रतिकूल है। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब कुछ अभी प्रतिकूल चल रहा है। अभी 2-2.5 दिन और लगेंगे जो आप परिस्थितियों से निकलेंगे, बट आने वाला दिन आपका जरूर फेवर में आएगा। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और कुल मिलाकर के आप अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। बस निरंतरता बनाए रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उग्रता से बचें। बजरंग बली को प्रणाम करते रहें और शिव का जलाभिषेक करते रहें। सिंह राशि, थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति कह सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आनंददायक जीवन हो जाएगा। स्वास्थ्य पे केवल ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ प्रॉब्लम ना होने पावे। प्रेम व्यापार ये सब चीजें आपकी ठीक चल रही हैं। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहें और सूर्य को जल देते रहें। कन्या राशि, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, व्यापार भी आपका ठीक ठाक चलेगा। पीली वस्तु का दान करें, शनिदेव को प्रणाम करें। तुला राशि, भावनाओं में बहके कोई निर्णय ना लें, तू मैं से बचे, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चल रहे हैं, रुक रुक के लाभ होगा अभी आपको। सूर्य को जल दें। वृश्चिक राशि, घरेलू चीजों को कूल होकर निपटाएं, शांत मन से निपटाएं। प्रेम की स्थिति अच्छी है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप ठीक चल रहे हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, लाल वस्तु पास रखें। तुला राशि, मिला जुला फल रहेगा दोपहर तक। अभी कोई नया काम या निवेश ना करिए, इसके बाद फिर पराक्रमी बन जाएंगे और पुरुषार्थ आपका दिखने लगेगा। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम मध्यम है, व्यापार सही चलने लगेगा। कोई भी काली या नीली वस्तु का दान करें। मकर राशि, धनागमन होगा लेकिन निवेश से बचें। कुटुंबों में वृद्धि होगी, आवेश से बचें। स्वास्थ्य आपका ठीक चल रहा है और थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा बेटर होने लगेंगे अब आप। काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि,
आनंददायक जीवन गुजरेगा, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम की स्थिति मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। गणेश जी की वंदना करें। मीन राशि, दोपहर के बाद थोड़ा सा चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, थोड़ा बच के पार करें, बाकी सब ठीक है, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बजरंगबली को प्रणाम करते रहें और शिव जी का जलाभिषेक करें। नमस्कार।